आई थिंक विद श्वेता मैम जो हमारी कैमराडरी है, जो मेरा जो रिस्पेक्ट है इनके लिए, दैट ट्रांसलेटेड इनटू अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप फ्रॉम केकेके एंड देन द वेब सीरीज दैट वी आर डूइंग टुगेदर. तो वो करते करते ही जो आपको पूरी जो केमिस्ट्री दिख रही है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन इट डिड नॉट स्टॉप देयर, इट ओनली ग्रू. सो दैट आई थिंक इज द केस विद अस. कंटेंशन के नाम रिवील हो चुके हैं, सबसे बड़ा नाम मुनावर फारूकी जिन्होंने हाल ही में लॉकअप शो जीता है. आपकी कोई कंटेस्टेंट से बातचीत हुई? बिकॉज यू हैव डन खतरों के खिलाड़ी. मेरी पर्सनली किसी से बात नहीं हुई इसके बारे में. मेरी भी किसी से बात नहीं हुई, पर मुझे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो जा रहे हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी देम, यू नो आई वांट टू सी देम परफॉर्म दोज स्टंट्स. जैसे शिवांगी है वहाँ पे, रुबीना है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो लोग क्या करेंगे. बिकॉज शिवांगी मैं जानती हूँ, वो बहुत टफ लड़की है, शी इज़ वेरी टफ, एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी सॉफ्ट. तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना उसका, इट्स गोइंग टू कम आउट वेरी वेल. मेरे ख्याल से एक ऑडियंस लॉकअप में उतना ही देख पाती थी जितना मेरे इंस्टाग्राम पे क्लिपिंग्स आती थी. मैं लॉकअप में देखती नहीं थी. तो मैं मुनव्वर को इतना, मैं करणवीर को जानती थी उसमें, और अपनी सारा को जानती थी. आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो.